Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले class 8 के chapter के बारे में जिसका नाम है Back from the Brink. ये जो Back from the Brink ये chapter है, इसमें particularly India के जो North Eastern states हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, इनके बारे में बात की गई है. तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज इसी चैप्टर के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन और पूरी समरी लाइन बाय लाइन देखते हैं. ओके. डीप इन अ फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, टाई सेट डाउन हिज बैकपैक ऑफ केन एंड बॉम्बू एट द बेस ऑफ अ ट्री. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के घने जंगलों में, वहां पर टाई ने बैकपैक किया अपना बैकपैक केन और बम्बो के, यहाँ जो बेस ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का जो बेस था, जो ग्राउंड एरिया था, वहाँ पर उसने किया था. बेयर फुट, नंगे पाँव, ही क्लैप्स द ट्रंक विथ हिज आर्म एंड लेग्स एंड क्लाइंब्ड अप टू अबाउट 9 meters हाई. और नंगे पैर वह तने पर किसके सहारे, अपने आर्म्स और अपने लेग के सहारे 9 meters ऊपर चढ़ गया. स्विफ्टली ही स्लाइड अक्रॉस द थिक हॉरिजेंटल ब्रांच एंड एक्सट्रैक्टेड अ रेड बेलीड स्क्वायरल फ्रॉम हैंडमेड ट्रैप ही हैड सेट मच अर्लियर. और उतनी ऊंचाई पर जाकर वो वहाँ से क्या निकालता है, एक रेड बेलीड स्क्वायरल, एक रेड बेलीड, एक क्या नाम है, डेड रेड बेलीड, जो कि मृत है, जो मर चुकी है, उस स्क्वायरल को वो वहाँ से निकालता है. और निकालने के बाद क्या है, टाई स्लाइड डाउन द ट्री वॉज ऑन द ग्राउंड इन लेस देन 30 seconds. और क्या करता है टाई, सिर्फ और सिर्फ 30 seconds के अंदर ही वहाँ से वो नीचे चला जाता है. उस 9 meters की ऊंचाई के पेड़ पर जब वो पहुँचा था, उससे जस्ट 30 seconds में वो जमीन पर आ जाता है. मागा टुक द स्क्वायरल एंड टर्न इट ओवर एंड देन प्लेस इट इन टू बैकपैक. और उसे ताई क्या करता है, उसे मागा को दे देता है, और मागा उस स्क्वायरल को क्या करती है, अपने बैग में पैक कर लेती है. एज वी कंटिन्यू अलॉन्ग द पाथ स्लीपिंग एंड स्लेथरिंग अक्रॉस लीफ लिटर, आवर कंपेनियंस पॉइंटेड आउट अदर ट्रैप्स ऑन द वे. और जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ रहे थे अपने कंपेनियन, अपने साथियों के साथ, ताई, मागा, एंजारो और इसके अलावा जो और सारे लोग थे, सो वो एरिया पूरी तरीके से जंगलों वाला था. और जंगलों वाला होने के साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ही कीचड़ और बहुत ही मड एरिया था. ओके. कैमराज इन अ हैंड वी अनस्टीडली क्रॉस गशिंग स्ट्रीम ऑन ब्रिज मेड ऑफ अ सिंगल ट्री ट्रंक. हमारे हाथों में कैमरा था और भी अनस्टेडली, अनस्टेडली का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे स्थिर नहीं, बल्कि अस्थिर तरीके से हम एक भरे हुए नाले को पार कर रहे थे. और वो भरा हुआ नाला सिर्फ और सिर्फ एक पुल के सहारे, और वो पुल क्या था, अ सिंगल ट्री ट्रंक के सहारे था. जार्जो मिमिक द साउंड ऑफ अ बार्किंग डियर फॉन्स इन डिस्ट्रेस होपिंग टू ल्योर इट्स मदर. और जार्जो क्या है, वहाँ पर एक बार्किंग डियर फॉन की आवाज़ निकाल रहा है. फॉन क्या है, डियर का बच्चा. उस डियर के बच्चे की आवाज़ निकाल रहा है, होपिंग टू ल्योर, इस उम्मीद में कि उसकी मदर उसकी आवाज़ सुन के अट्रैक्ट हो जाएगी. डेंस फॉरेस्ट क्राउडेड अराउंड अस मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी फर्दर देन अ फ्यू मीटर्स अहेड. और उस जंगल में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हम लगभग कुछ मीटर आगे भी नहीं देख सकते थे. वो काफ़ी घना अंधेरेदार वाला जंगल था. अब पेस वॉज मच स्लोअर देन वी होप, और जितनी कि हमने उम्मीद नहीं की थी उससे काफ़ी कम स्पीड से हम आगे बढ़ रहे थे. वी कंटिन्यूड टू फिल्म द थ्री यंग मैन एंड वॉक अंटिल इवनिंग बिफोर सेटलिंग एट अ क्लियरिंग. ओके. सो वी कंटिन्यू अ फिल्म द थ्री यंग मैन, हम एक 3 युवा लोगों पर फिल्म बना रहे थे. एंड वॉक, और हम तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि हमें एक क्लियरिंग, एक खुला मैदान, एक खुली जगह स्टे करने के लिए नहीं मिल गई. और यहाँ पे एक ट्राइब कम्युनिटी है जिसका नाम है न्यासी. आवर न्यासी कंपेनियंस ब्रिफ्ट ब्लैक ट्री एंड वी सेट अराउंड ए स्मॉल फायर. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल फायर्स है. ठीक है, स्मॉल फायर्स के पास वो वहाँ पर स्टे किए हुए हैं. तो जो न्यासी कम्युनिटी है उन्होंने उसे उनके लिए एक ब्लैक ट्री बनाया और वहाँ चारों तरफ एक छोटी सी आग जलाई. एज आई गेज्ड इनटू द फ्लेम आई रिकॉल आवर सोजर्न इन द नॉर्थ ईस्ट बिगेन. और जैसे कि मैं उन फ्लेम्स, वो जो मशाले जल रही थी, वो छोटी सी आग जल रही थी ना वहाँ पे, जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे नॉर्थ ईस्ट की जो यात्रा जो मैंने स्टार्ट की थी वो मुझे याद आ गई. वो कैसी थी, इन 2002 वी फिल्म वेरी फर्स्ट रिहैबिलिटेशन ऑफ 2 हिमालया ब्लैक बियर कब्स. लगभग 2002 की बात होगी, हमने अपनी पहली फिल्म
बनाई जो कि किस पे बेस्ड थी, रिहैबिलिटेशन, और किनके लिए, टू हिमालयन ब्लैक बियर कब्स जो कि ऑर्फन हो चुके थे, कैसे, बाय हंटिंग, शिकार के द्वारा, इन द पके नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी भी आता है कि पके नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आप याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बट सैडली वी न्यू दैट इवन विथ अ सक्सेसफुल रिलोकेशन नथिंग स्टॉप द बियर्स फ्रॉम बींग हंटिंग डाउन अगेन एज एडल्ट। लेकिन जैसा कि हमें पता था कि हम इन्हें रिलोकेशन भी कर दें, हम इन्हें कहीं पुनर्स्थापित भी कर दें, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो इनका फिर से शिकार हो जाएगा। हंटिंग इज अ कॉमन इन ऑल 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हंटिंग, शिकार करना बहुत ही कॉमन सी बात है, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, नाम दिया गया है आपके बुक में, ध्यान रखिएगा हमेशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। ताई, मागा एंड जॉर्जो आर फ्रॉम वन ऑफ द न्यासी ट्राइब हु हैव बीन हंटिंग इन दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशन। अब यहाँ पे तीन जो लोग हैं जिनके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, ताई, मागा एंड जॉर्जो, वो न्यासी समुदाय से आते हैं, और न्यासी समुदाय क्या है, वो काफ़ी जनरेशन से हंटिंग कर रहा है। द एनिमल्स दे हंट प्रोवाइड फूड एंड बोन्स फॉर फीदर फॉर डेकोरेशन एंड रिचुअल ड्यूरिंग मोस्ट फेस्टिवल्स। ओके, और वो सभी एनिमल्स जिनका वो शिकार करते थे उनसे उनको क्या मिलता था, फूड, बोन्स, फर्स, फीदर, किस काम के लिए, डेकोरेशन एंड रिचुअल, सजावट के लिए और सांस्कृतिक चीज़ों के लिए, जब उनके यहाँ कोई समारोह वगैरह होते थे। अब बात करते हैं पेज नंबर 32 की। ओवर द ईयर्स दिस ट्राइब रियलाइज दैट द डिमांड ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स दे हंटिंग वर ग्रोइंग स्टीडली। और ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों से इन समुदाय को ये रियलाइज हो चुका था कि जिन एनिमल और बर्ड का ये काफ़ी सालों से शिकार कर रहे हैं वह अब समाप्ति की कगार पे है, और उनमें कौन कौन से हैं, हॉर्नबिल्स, बॉबिट्स, सिवेट्स, स्क्वायरल एंड मैनी मोर रेयर स्पीसीज वर मेकिंग देयर अपियरेंसेस एज डेड मीट एट विलेज मार्केट विथ अ पीसेस रैंगिंग फ्रॉम रुपीज 500 टू 5000। और ये सभी जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका शिकार करने के बाद इनके जो डेड मीट हैं उनकी कीमत कितनी होती थी, 500 टू 5000। और एक बार्किंग भी है जिसकी बात स्टार्टिंग में की गई थी, वो कितने में बिकता है, 6000 में। बट वाइल्ड मील्ड एंड द मार्केट्स कुड ओनली मीन वन थिंग दैट फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट गोइंग साइलेंट एंड देयर इज एक्सक्लेमेशन मार्क द फीलिंग ऑफ सैडनेस। वहाँ पे कह रहे हैं कि आसपास के जगहों पे जो चीज़ें हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये फॉरेस्ट साइलेंट टू साइलेंट हो जाएंगे। एंड देयर वॉज ए स्ट्रेंज एंड एम्प्टी स्काई वेयर द वाइल्ड बर्ड्स यूज टू फ्लाई द नेक्स्ट विक्टिम कुड बी वेरी वेल बी द फॉरेस्ट इटसेल्फ। और कह रहे हैं कि उन आसमानों में जहाँ पे पहले पंछी उड़ा करते थे अब वो पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका है, और अगला शिकार कौन होगा, अगला शिकार वो जंगल खुद होगा वहाँ पर। टू डॉक्यूमेंट द एक्सटेंट ऑफ हंटिंग एंड टू डिटरमाइन whether there was only hope for the future of wildlife in the northeast. अब हमारा एकमात्र लक्ष्य था वो क्या था, was to document extent of hunting and to determine, यह पता लगाना कि नॉर्थ ईस्ट में जो फ्यूचर है वाइल्ड लाइफ का, क्या वह एकमात्र उम्मीद है। इन प्रोसेस वी स्पेंड टाइम विथ सेवरल ट्राइब्स इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे कुछ नाम आते हैं, Apatadis, Chickensong and Nyashis, and attended many of their festivals. So, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमें बहुत सारी कम्युनिटी जिसमें नाम आए हैं वो Apatadis, Chickensong and Nyashis, हमने उनके फेस्टिवल्स अटेंड किए, वी विटनेस द ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ एनिमल parts, monkeys, fur, cat's claws, skin of bears and other animals and the beaks of hornbill. और जब हम उनके इस traditional community में जब हम शामिल हुए तो वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिला, monkey fur, cat claws, जो cat है उनके पंजे, skin of bear and other animals, okay? और hornbill की चोंच। On the occasion we filming in village, we came across a young boy who had just returned with a monkey kill.
और जब हम इन गांव में फिल्म शूटिंग कर रहे थे तभी हमने एक चीज देखी, वो बहुत ही स्ट्रेंज थी। वो क्या थी कि एक यंग बॉय रिटर्न हो रहा था कहाँ से, मंकी किल करके। क्यों? ही वॉन्टेड टू यूज टू फर टू मेक अ न्यू केस ऑफ हिस डाव डैगर। वह सिर्फ और सिर्फ अपना एक न्यू केस बनाना चाहता था। डाव डैगर वो क्या होता है, एक छोटा सा शार्प चाकू होता है। ओके, ही रीजंस वर सिंपल, उसका एक ही कारण था। वो क्या था, ही वॉज अटेंडिंग अ वेडिंग एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ अ प्रेस्टीज। वह एक शादी अटेंड करने जा रहा था और वो शादी उसके लिए एक सम्मान की बात थी। इट वुड बी मच बेटर देन द अदर बॉयज डैगर केसेस। और वो ये दिखाना चाहता था कि उसका जो डैगर है वो एक्चुअली दूसरे लोगों की तुलना में काफ़ी बेस्ट है। ओके, इन शिजमी विलेज नागालैंड द इंटरव्यूज वी डिड विद डिफरेंट जनरेशन ऑफ हंटर्स रिवील सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डिक्लीन ऑफ वाइल्ड लाइफ एरिया। और ऐसे जगह पर जहाँ पर हम गए, वहाँ पर कहाँ पे, सिजमी नागालैंड में, जब हमने इंटरव्यू किया डिफरेंट जनरेशन के साथ, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले कि जो वाइल्ड लाइफ है वो डिक्लीन, एक समाप्ति के कगार पर पहुँच चुकी है। द ओल्डर हंटर्स हैड इंटीमेट नॉलेज ऑफ एनिमल, देयर हैबिट, देयर फूड, इवन देयर स्मेल। जो पुराने शिकारी थे, पुराने पुराने जनरेशन के, वो ज़्यादा नॉलेजफुल थे किसके बारे में, जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट के बारे में, उनके फूड के बारे में और उनके स्मेल के बारे में। दे कुड आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द फोटोग्राफ्स वेरी इजली। वो सिर्फ फोटोग्राफ से ही एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। द यंगर हंटर्स हैड मच लेस इंफॉर्मेशन ऑन द एनिमल्स। और जो यंगर हंटर्स थे, जो क्या नाम है, युवा शिकारी थे, उन्हें तो इसके बारे में ज़रा सी जानकारी भी नहीं थी। और जो टीनेज बॉयज थे उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, हैड सीन हार्डली एनी मेमल्स, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही किसी मेमल्स को देखा हुआ था। दिस वॉज इनफ टू मेक देम रियलाइज दैट हंटिंग हैड रीच क्राइसिस प्रपोर्शंस। और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि एक जो हंटिंग है, जो शिकार करने की परंपरा है, वो एक्चुअली अपने एकदम निचले लेवल पे जा चुकी है। इन जनवरी 2007 द ट्राइबल पीपल ऑफ रांची विलेज हैड अराइव्ड अ कंसेंसस। और अंततः जनवरी 2007 में अ ट्राइबल पीपल ऑफ रांची विलेज वो एक डिसीजन पर आते हैं। क्या डिसीजन? अ सेल्फ इम्पोज बैन ऑफ हंटिंग फॉर 3 ईयर्स वॉज द ओनली वे टू रिवर्स द सिचुएशन। कि अगले 3 सालों तक वो किसी तरीके का कोई शिकार नहीं करेंगे। अर्लियर इन खोनोमा नागालैंड द यूथ हैड टेकन इट अपॉन देम सेल्फ टू बैन हंटिंग एज देयर फॉरेस्ट वर ऑलमोस्ट साइलेंट। और क्या कह रहे हैं वो, कि इन खोनोमा नागालैंड द यूथ, खोनोमा नागालैंड में जो यूथ थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगले कुछ सालों तक, मीन्स वॉट, लगभग वो हंटिंग को बैन ही कर देंगे। Incredibly, they managed to sustain the ban for 10 years, revive the wildlife population and set up infrastructure for ecotourism. और बहुत ही अद्भुत तरीके से अगले 10 सालों तक उन्होंने बिना कोई शिकार किए उस एरिया में, अपने नागालैंड खोनोमा के एरिया में उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। किस चीज़ का? इको टूरिज्म का। अब लास्ट पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। मैनी ऑफ द हंटर वी स्पोक टू वर विलिंग टू बी वाइल्ड लाइफ गाइड्स इफ दे वर गिवेन अ चांस टू मेक एज अ लेवलीहुड। और बहुत सारे शिकारियों से जब हमने बात की तो हमें ये रियलाइज हुआ कि वो वाइल्ड लाइफ गाइड बनने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। इन मानस असम देयर आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल वेयर एक्सपोजर्स हैव टर्न इन टू फॉरेस्ट गाइड। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर निकल कर आता है कहाँ का, मानस असम का, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं जो वहाँ पर फॉरेस्ट गाइड के रूप में वर्क कर रहे हैं। Putting their intimate knowledge to the forest and its designs for better use, a powerful example of change. और उनके पास जो भी example हैं, उनके पास जो भी knowledge है, वो लोगों के साथ share करते हैं। और ये एक बहुत ही best example set हुआ है लोगों के बीच में एक अच्छा knowledge spread करने के लिए। These are the first step, but positive ones towards the more sustainable future. ये तो एक पहला कदम है, लेकिन इसके बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में आगे, जहाँ पे लोग एक साथ नेचर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट है।
they have proved their protecting and preserving our forest and all creatures, great, small, not a spectator sport. और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि protecting and preserving our forest, सुरक्षा करके और सुरक्षित रख के अपने जंगलों को and all creatures, और साथ ही साथ सभी पशुओं को, जानवरों को, great and small is not spectator sports. वो एक प्रत्यक्षदर्शी खेल नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबा समय स्पेंड करना पड़ता है, काफ़ी लंबा समय खर्च करना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, ये रही ओवरऑल समरी आपके चैप्टर बैक फ्रॉम द ब्रिंक के बारे में. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें वर्ड मीनिंग्स लिखी गई हैं कि आप जब मैं आपके साथ इसके पीडीएफ शेयर करूँ तो आपसे देख सकते हो. बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले सभी इंग्लिश के अपडेट्स आपको समय से और जल्द मिलते रहे. तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा.